हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो वीवर्स, आज हम एक और टैरो का रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग का टाइटल रहेगा, आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स आज सुबह आपको लेकर क्या थी, उनके मन में क्या कुछ चल रहा था आपके लिए। तो यहाँ पर जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको बता दूँ कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोड़ी साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके वीवर्स, तो यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और बॉटम से हमारे पास जो कार्ड आया है वो है सिज़ोफ्रेनिया एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं स्ट्रेस, बियॉन्ड इल्यूजन, रीबर्थ एंड ट्रस्ट। तो यहाँ पर सुबह सुबह सबसे पहली बात तो इस पर्सन में कोई डर नज़र आ रहा है मुझे, किसी बात का डर है इस पर्सन के मन में और उस चीज़ का ये स्ट्रेस भी ले रहे हैं। कोई चीज़ इस पर्सन की दिल और दिमाग में बस सी गई है और वो कोई गलत फहमी हो सकती है, इस पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं रहा या फिर आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं है और इस वजह से ये पर्सन सुबह काफ़ी टेंशन में था, काफ़ी स्ट्रेस ले रहा था इस बात का। और इस पर्सन को खुद को भी एहसास होता है कि इसका जो बिहेवियर है वो कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है आपके साथ में, ये आप पर कुछ ज़्यादा ही अपना हक जताते हैं और इस पर्सन की कुछ हैबिट्स हैं ऐसी जो आपको शायद पसंद नहीं है। और इस पर्सन की और आपकी अगर इस रिलेशनशिप में नहीं बन पा रही है ना, तो उसकी मेन वजह आप दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करना है। और अगर ये जो भी पार्टनर है ना आपका, ये अगर मेल है तो ये पर्सन खुद आपको ट्रस्ट नहीं दिलाना चाहता, ये पर्सन आपको खुद ही भ्रम में रखा हुआ है। कभी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने की बात करता है, कभी उस कमिटमेंट से खुद ही मुकर जाता है, कभी ये पर्सन आपसे कहता है कि ये आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देगा या आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसकी जान भी हाजिर है आपके लिए। और फिर अचानक से ही सडन इस पर्सन के बिहेवियर में चेंज आता है, इसके मूड चेंज हो जाते हैं, तो इसके जो मूड स्विंग हो रहे हैं ना बार बार, आपको ये बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये पर्सन जो है ना, अगर फीमेल हैं तो ये पर्सन इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आप पर क्योंकि आप इनको ट्रस्ट नहीं दिला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में इस पर्सन को एक ऐसी चीज़ नज़र आती है कि आप इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और ये डर इस पर्सन के मन में है कि आप किसी और को लाइक करते हैं, किसी और को पसंद करते हैं, आपके मन में कोई और समाया हुआ है, आप किसी और का जो भी स्ट्रेस है ना इस पर्सन पर निकालते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा और आपको ट्रस्ट नहीं दिला पा रहा खुद पर। तो आपका जो माइंड है ना, मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ों में बटा हुआ है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको ट्रस्ट भी दिलाना चाहे तो आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। वर्स आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस आ रही है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करें, अपने माइंड को एकाग्र करें और इस डर से और इस दुविधा परिस्थिति से ना बाहर आने की कोशिश करें और एक ही सोच रखते हुए इस पर्सन को अपने प्यार का यकीन दिलाएं, इस पर्सन का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके प्यार में बहता चला जाएगा, ये पर्सन प्यार तो आपसे करता है, आप भी इससे प्यार करते हैं, बट आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं दिला पा रहे खुद पर, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर सच में आप इस पर्सन से प्यार करते हैं तो इस पर्सन का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करें और मुझे लगता है कि आप जीत भी लेंगे इस पर्सन का ट्रस्ट। जो भी यहाँ पर डर है इस पर्सन का वो दूर हो सकता है और अगर ये एनर्जी वाइस वर्सा थी ना, तो भी यहाँ पर आपके लिए यही एडवाइस है, यही गाइडेंस आ रही है यहाँ कि आप दोनों एक दूसरे का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करें और जो भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है इससे बाहर आएं और जो भी स्ट्रेस है इसे दूर कर सकते हैं आप दोनों एक दूसरे से क्लियर कम्युनिकेशन करके। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप दोनों की समझ में नहीं आती हैं, आप दोनों की सर के ऊपर से निकल जाती हैं, तो ये चीज़ आप दोनों के बीच ना ट्रस्ट ना होने की वजह से ही है और आपका पर्सन भी ये चीज़ सोचता है और आप भी इसके बारे में बहुत सोचते हैं और ये डर और ये जो इल्यूजन है आप दोनों के बीच बना हुआ है। आज सुबह भी आप दोनों के मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी, आपका पर्सन भी इस चीज़ों के बारे में सोचता है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत स्ट्रेस होता है और ये डर इस पर्सन के मन में बना रहता है। आज सुबह भी ये डर मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के मन में। तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप दोनों
चाहें तो एक दूसरे को ट्रस्ट दिला सकते हैं, अपने प्यार का यकीन दिला सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट दिलाने की पूरी कोशिश करें और ये रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन हो सकता है आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पर रिबर्थ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप का। जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ थे ये अगर सॉल्व होते हैं ना, तो आप दोनों बहुत अच्छी हैप्पीली लाइफ जियेंगे एक दूसरे के साथ में, और जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो बहुत जल्द ख़त्म होंगे। तो आपका पर्सन आज सुबह ये सब सोच रहा था। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।